আপনার প্রিয় তারকার লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন সিটি সিনেমা ইউটিউব চ্যানেলে, আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না। हम अभी अभी स्टेज पर जाने वाले हैं, तो हमारा इंतज़ार वहाँ पे है। ये टाइम्स नाउ का सेकंड सेट ऑफ अवार्ड्स है NRI ऑफ द ईयर दैट आई बीन होस्टिंग, दैट आई एम होस्टिंग, और अच्छा लग रहा है कि जो लोग पूरे दुनिया में नाम कमा रहे हैं इंडियंस, उनको यहाँ अवार्ड दिए जा रहे हैं और उन्हें रिकग्नाइज किया जा रहा है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना बी डूइंग ऑन स्टेज, वी आर गोना बी कंपेयरिंग प्रोसीडिंग्स। जी, मेरा ये पहला साल है। आई एम वर्किंग विद माई गुड ओल्ड मेट हियर मैंडी, वी होस्टिंग इट टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। शी राइटली सेड, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। कई सारे भारतीय हैं जो या नहीं हैं, वो बाहर के मुल्कों में हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। व्हेन आई गॉट टू हियर अबाउट द एक्सटेंसिव वर्क दैट गोज इनटू आइडेंटिफाइंग दोज पीपल एंड हाउ द ज्यूरी काइंड ऑफ ब्रिंग्स इट डाउन एंड नैरोस इट डाउन टू द सिलेक्ट फ्यू हु विल बी ऑनर्ड टुडे, और बहुत अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। I am very happy to be here in Mumbai. This is an important event because the Indian diaspora globally is very huge, and their recognition is to be recognized. And the best place is India. We must recognize the outstanding performance of the NRIs, the non-resident Indians, the person of Indian origins. I'm very glad to be part of this Times Now effort to recognize the achievement being made by Indians across the globe. So I'm going to give away the award also. At the same time, I'm going to interact with them. So my best wishes to all the persons of Indian origins who have gathered here in Mumbai in India. And I'm glad to meet them. I'm glad to interact with them. And I must congratulate the Times Now for this great effort. I have visited the NDRF camp. I am the minister in charge for disaster management in the Home Ministry also. So it's primarily my responsibility to see that the citizens do not face the hardships and difficulties in this time.
बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ ऑनेस्टली. आज हमारी फर्स्ट स्क्रीनिंग हो रही है फॉर द इंडस्ट्री पीपल एंड आई थिंक प्रेस स्क्रीनिंग ही आज है. सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि लोगों को पसंद आए हमारी फिल्म सूरमा. एंड हर 5 मिनट में आई एम जस्ट गोइंग लाइक इट्स जस्ट लाइक आई थिंक इतनी ज़्यादा नर्वसनेस मुझे कभी नहीं हुई. यू नो आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि जो भी लोग इतना कुछ करते हैं, जो भी हमारे इंडियंस बाहर जाके इतना कुछ अचीव करते हैं, जब तक हमारी अपनी कंट्री उसको ऑनर नहीं करती है या उसको एक्नॉलेज नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगता है यू नो, क्योंकि अपनी कंट्री होती है. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक तरह का कनेक्शन बना हुआ है एंड वी आर ऑनरिंग द NRI. आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. यार आपको लगता है कि एक्टर्स के लिए भी ऐसा कुछ, मतलब एक्टर्स को भी इस कैटेगरी में ऐड करना चाहिए? डेफिनेटली ऐड करना चाहिए क्योंकि सिर्फ आई मीन आई थिंक इरफान ने बहुत काम किया है, अभी नवाज काम कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं, इंडियन एक्टर्स हैं जो बाहर जाके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो चाहे आप इंडियन अभी तक हैं या आप NRI हैं या आपके इंडियन रूट्स हैं, डेफिनेटली आई थिंक हमको उनको यहाँ पे ऑनर करना चाहिए. इवन इफ़ वी आर नॉट NRIs, अगर इंडियन रूट्स हैं फिर भी कहीं ना कहीं वी शुड गिव देम दैट ऑनर एंड recognition in their own country. So yeah, I think we should definitely. Sonali Bendre is not well, so any thoughts on that? Any views you would like to share with us as a community ka hissa? I pray ki both Sonali aur Irfan dono bahut jaldi theek ho jaye. I mean I do believe in miracles and sometimes if you pray hard miracles happen, so I can only pray for that. Happy evening Chitrangada. Sunil, hi. आपका सवाल सुमित, सवाल हाँ बोलो. थैंक यू सो मच. व्हाट बीइंग एन इंडियन मीन टू मी? सब कुछ है, मेरी आइडेंटिटी इंडियन है. मैं कहीं भी जाती हूँ आई थिंक उस शक्ल से और शायद मेरे रंग से एकदम पहचानते हैं कि आप इंडियन हैं, तो बहुत प्राउड फील करता है. आई एम अ वेरी वेरी प्राउड इंडियन. मेरे फादर आर्मी में थे तो थोड़ी कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फीलिंग कि अपनी कंट्री है. एंड feeling. It feels great. It feels great to be recognized like this. Haven't been to a lot of places like this where it's not only about the sports but a total package where how I performed, how I behaved, and then you get recognized. It feels really great. Now it's easy because there are only 3 teams left. I think France are very strong and they're already in the finals. Today there's an interesting game between Croatia and England, but I think France will be very difficult to beat. Are you satisfied now? I will never be satisfied, my friend. We want more. We are greedy. But I think it's a hand in hand thing. We as players will try our best to improve, and I'm sure everyone is going to join it. See, personally as players I just want to improve myself, and I just hope everyone who is a footballer tries to improve themselves. As I said, there is no point me telling everyone what to do. I've got a lot of work to do on myself. I'll try to do that and everyone is going to follow.
something that I carry with me everywhere I go. Nahi, that's okay. I'm saying being an Indian Bhartiya hona mere liye bahut garv ki cheez hai. Wo ek aisi cheez hai jo hum kahin bhi jaye, kuch bhi kare, humse chhootti nahi. So yeah. Yeah, I absolutely think so. In fact, मैं कहीं भी perform करने जाती हूँ तो ऐसा होता है कि मुझे या तो दिल्ली से जहाँ से मैं originally belong करती हूँ या मुंबई से या in fact all over the country से कुछ ऐसे miraculous cases सुनने को मिलते हैं, not just in the case in the field of music but everywhere. So I feel extremely proud. আপনার প্রিয় তারকার লেটেস্ট আপডেট জানতে সাবস্ক্রাইব করুন সিটি সিনেমা ইউটিউব চ্যানেলে আর বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না।